तो बाबा जी आपको कैसा लग रहा है कि आज हमारे श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? नई दिन की नई शुरुआत होने जा रही है। आज है 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है राम जी का, राम मंदिर में। और यहाँ पर आने वाले हैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और सारे CM भी कल आए यहाँ पर आ गए थे, आदित्य योगी नाथ जी, सारे आज यहाँ पर सबको आपको मिलेंगे। तो हम तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ को। मेरे साथी सब तैयार हो गए हैं यहाँ पर और साइकिल से पैक करके रख दिए हैं, साइकिल सारी आपको दिख रही, सामान सारा बांध दिया है। तो चलो चलते हैं और एक बार जयकारा लगाएंगे जय श्री राम के नाम का, जय श्री राम। तो ये भाई लोग यहाँ पर हमारी सेवा करने में जुटे हुए हैं, पंजीकरण कर रहे हैं यहाँ पर और हमें 2 दिन का आश्रय इन्हें दिया है, आश्रय पंचवटी आश्रय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी, आपका नाम भाई जी? अमित यादव जी। तरुण उराव। तरुण उराव, आप कहाँ से रात को हमारे पास रहे थे आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं। और भाई जी आपका नाम? प्रिंस। और बाबा जी को आप सब जानते ही हैं। तो बाबा जी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत प्रसन्नता हो रही है अंदर दिल से कि आज हमारे श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या धाम पे। और बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्ष की बात है सभी देशवासियों, सभी राम भक्तों के लिए कि हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं और राम जन्मभूमि पे आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी द्वारा, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रही है। तो बड़ी सौभाग्य की बात है हम उसको अपनी आंखों से देख पाएंगे, जो हमारे पूर्वज लोगों ने अपनी बलिदानियाँ दी थी इस राम जन्मभूमि के लिए, तो आज वो होने जा रही है। तो बहुत दिल में खुशी है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। फाइनली हमें चोखा बाटी मिल चुका है और बाबा जी को पहले ले लिया। मोहन बाबा बताएंगे यहाँ पर टेस्ट। बाबा जी टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा, मस्त, एक नंबर। ये जय श्री राम। ऐसा है भाई। राहुल भाई क्या चल रहा है यार? पता है कि हम 3 या 4 दिनों से हम पूछने में लगे हैं, चोखा बाटी, बाटी चोखा, चोखा बाटी, लिट्टी चोखा कहाँ मिलेगा, क्या होगा। एक दूसरे का मिला पीछे लेकिन हम खा नहीं पाए उसे, लेकिन अभी आज टेस्ट करते हैं इसका। पहला बार बाइट लेता हूँ आपके सामने। टेस्टी है क्या? ये देखो आलू इस तरह है, आलू चटनी और ये अंदर से ऐसा बाटी, बढ़िया। तो हम पहुंचने वाले सरयू घाट पे, वहाँ करते हैं अपना स्नान और आप लोगों के आपके सम्मुख सारी यात्राएं मैंने रखी हुई हैं। तो अब एक नई यात्रा हमारी अयोध्या धाम को एक्सप्लोर करने की, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। और जो जो नए हैं इस चैनल पे वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट में लिखना ना भूले जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रही यहाँ की कुछ पार्किंग, देखिए पूरी भरी हुई है सरयू नदी के तट पर। ये सरयू नदी वाला पुल है। तो CM जी का हेलीकॉप्टर ये है, मोदी जी का भी आ गया है, मोदी जी भी आ गए हैं और अभी वो इस समय मंदिर की तरफ हैं। तो स्नान करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ पर से। ये देखो राहुल भाई खिला रहे कुछ हरी पत्तियां, मूली के पत्ते। हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के
तट पर, और अभी यहाँ पर करते हैं स्नान। स्नान करने के बाद आगे अयोध्या राम मंदिर को जाएंगे, जहाँ पर तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। मोदी जी पहुँच चुके हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कल पहुँच गए थे, अभी मैंने आपको उनका हेलीकॉप्टर भी दिखाया था, तो वहाँ से पहुँच चुके हैं। तो चलो करते हैं सरयू नदी में स्नान और फिर बताते हैं आपको आगे की कार्यकलाप अपने। दो जनों ने, तीन जनों ने नहा लिया है, अभी बारी है मेरी, मेरा होने जाएगा यहाँ पर शूट। तो पी रहे हूँ उससे पहले जरा चाय गर्मा गर्म और फिर जाता हूँ सरयू नदी में। तो माता सरयू का आशीर्वाद लेने के लिए अब मैं सरयू नदी में जा रहा हूँ, वहाँ स्नान करने के तत्पश्चात मैं अपनी यात्रा आगे मंदिर की तरफ को पूर्ण करूँगा। तो चलो नहा लिया है सरयू नदी पे और कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, सबने नहा लिया है। तो अब मैं बांधने जा रहा हूँ अपने सर में साफा, तो मोहनदा मेरी मदद कर रहे हैं साफा बांधने में। तो चलो कैसा बनता है दिखाता हूँ आपको साफा बांधने के बाद। तो मोहन बाबा ने बांध दिया है सर में मेरे साफा, और कैसा बना हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। तो चलो चलते हैं। जो है सरयू नदी में, सरयू घाट पे आज बोटिंग फ्री है, तो यहाँ पर अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं सरयू नदी में। तो देखते हैं अनुभव कैसा रहता है। बोटिंग करेंगे आज, करेंगे सरयू नदी पे राम मंदिर अयोध्या पे। तो चलो चलते हैं। तो आज 22 जनवरी 2024 राम प्रतिष्ठा का दिन, श्री राम आज विराज रहे हैं अयोध्या में। तो पूरी अयोध्या नगरी में सारा सब बिना पैसों का घूमिए, बिना पैसों का देखिए, और सब यहाँ पर आप देखिए नाव पर बैठे हुए हैं और बढ़िया करके एंजॉय कर रहे हैं। बोटिंग करके आ चुके हैं वापस, और अब चलते हैं हल्के हल्के। शूटिंग कर रहे थे तो हमारे पास आए भाई जी, वो कहने लगे कि चलो आपको बोटिंग करवा दी जाए, और हमने कहा कि हमारा तो पैसा ही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आज सब कुछ फ्री है। तो भाई जी से पूछना चाहता हूँ, भाई जी ये आपने अपनी तरफ से करा है या फिर किसी ने आपसे बोला सरकार ने? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला, हम लोग अपने तरफ से राम के खुशी में, राम के प्रतिष्ठा के खुशी में हम लोग अपने तरफ से बोटिंग फ्री की है। बहुत बढ़िया बात है भाई जी, आपने अपने 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 उससे छोटा सा कदम उठाया है, बहुत बढ़िया बात है। और जो जो यहाँ पर राम भक्त आ रहे हैं आप उनको सेवाएं दे रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई जी। तो धन्यवाद, और एक बार राम के नाम का जयकारा जरूर होना चाहिए। जय श्री राम। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ को, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक चलते हैं।
खाने में लेके हाथ कट जाते हैं, छिल जाते हैं हाथ। खाया नहीं है, कुछ भी नहीं खा रखा है, चाय पी रहे कि दो बार बस।